तो दोस्तों, क्या आप भी जब इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के लिए जा रहे हो दोस्तों, और वहाँ पर म्यूजिक सिलेक्ट या फिर कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग्स ही आ रहे हैं दोस्तों, और हिंदी सॉन्ग्स भी नहीं आ रहे हैं ना फिर किसी और लैंग्वेज के। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं स्टोरी पर दोस्तों जैसे ही म्यूजिक लगाने जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, हिंदी भी आ रहे हैं, और सारे लैंग्वेज के सॉन्ग्स आ रहे हैं। जबकि पहले मेरे पास भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स देखने को मिल रहे थे दोस्तों, और जब भी मैं कोई को सर्च कर रहा था तो वहां पर नो रिजल्ट्स फाउंड लिखा हुआ आ रहा था दोस्तों। दोस्तों, अब मैंने ये प्रॉब्लम को कैसे सही किया ये आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सही हो चुकी है तो वही तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, यानी कि आप भरोसा कर सकते हो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी और भी इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ी हुई वीडियोज के लिए। दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को यहाँ पर से ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पर से आपको इंस्टाग्राम लिखकर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखकर सर्च करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपडेट शो हो रही होगी दोस्तों। अगर आपने पहले से इंस्टाग्राम को अपडेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर अपडेट नहीं किया है तो आप इस अपडेट वाले बटन पर दबाकर इसको अपडेट कर सकते हो। अब अपडेट करने के बाद आपको क्या कुछ करना होगा, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। इंस्टाग्राम को ओपन कर इंस्टाग्राम की सेटिंग्स को ओपन आपको कर लेना होगा दोस्तों। जैसे ही आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आओगे दोस्तों, यहां पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स कर। जी हां दोस्तों, एक बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों यहां पर क्लिक कर देते हो तो दोस्तों यहां पर से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों स्विच अकाउंट टाइप का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्विच टू पर्सनल अकाउंट और स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो दोस्तों यहां पर से आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। और जैसे ही आप इस स्विच टू क्रिएटर अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे आप स्विच टू क्रिएटर वाले अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपका जो क्रिएटर अकाउंट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जब भी दोस्तों इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह लगाने जाओगे दोस्तों, तो वहां पर जो आपके हिंदी सॉन्ग और जो इंग्लिश सॉन्ग वाली प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी सॉन्ग या फिर कोई भी लैंग्वेज सॉन्ग नहीं आ रहे थे दोस्तों, वो अब आने लगेंगे दोस्तों। और इतना कुछ करने के बाद भी दोस्तों, पहली बात तो आपके सॉन्ग्स वाली प्रॉब्लम की सॉल्व हो ही जाएगी दोस्तों। अगर फिर भी आती है तो आप इंस्टाग्राम लाइट का भी कुछ दिनों यूज़ कर सकते हो, अगर कोई सर्वर इशू होगा तो। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी सेट। मिलता हूँ अगली वीडियो में।